इनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है, बहुत रफ़ हैं। ये चाह रही हैं कि इनके बालों की लेंथ भी ना जाए, इनके रफ़ बाल भी उतर जाएं, और बालों में स्टेप भी चाह रही हैं, थोड़ी सी लुक न्यू चाह रही हैं। तो चलें इनके बालों की कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इनका हेयर वॉश करवाया। हेयर वॉश करने के बाद अब मैं इनके जो है वो बालों को सेक्शंस बनाने लगी हूँ इनके। तो प्रोफाइल सेक्शन मैंने क्रिएट किया है, सेक्शंस पे इनके मैं बाल काटूंगी। तो देखें आप ज़रा, फ्रंट पे जो खाली इनके जो प्रोफाइल सेक्शन है उसी पे बाल इनके कटिंग होंगे, और फ्रंट पे सिर्फ मैं इनकी ले रही हूँ गाइडलाइन ले रही हूँ इनकी, और सारे बाल इनके जो है ऑक्सीपिटल बोन के जो बैक के बाल हैं वो अलग से कट करूँगी, और जो इनके क्राउन एरिया के बाल हैं उनको मैं फ्रंट पे लाके फॉरवर्ड ग्रेजुएशन कटिंग करूँगी इनकी। फेस फ्रेमिंग कटिंग होगी इनकी। तो आप देखें ज़रा इनको, मैंने फ्रंट पे जो है वो गाइडलाइन क्रिएट करने के लिए मैंने बाल अलग से लिए हैं, और बाकी के बालों को मैंने बांध दिया है। इनके फ्रंट के बाल जो है वो मैं उठा के अब उनको कट करूँगी और अपनी गाइडलाइन क्रिएट करूँगी राइट साइड के लिए भी और लेफ़्ट साइड के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने इनके बाल कट कर दिए हैं, और अपनी इनको मैं रीचेक करूँगी। हमेशा जब भी आप बाल कटिंग करें, कोई भी सेक्शन आप कटिंग कर रहे हैं, तो आप उसको रीचेक लाजमी करें ताकि कोई बाल छोटा बड़ा ना रह जाए अंदर। तो अब मैं इनके बालों की कटिंग करने जा रही हूँ। तो मैंने बाल लिए हैं बैक से, छोटे छोटे सेक्शंस में मैं बाल लूँगी, और जहाँ पर मुझे गाइडलाइन नज़र आएगी वहीं पर मैं उन बालों को कटिंग कर दूँगी। और इसी तरह मैं छोटे छोटे सेक्शंस लेके उन पे बालों की कटिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। जो हमारे फ्रंट के बाल हैं, क्राउन एरिया के बाल हैं, वहाँ तक ही जो है वो मैं कटिंग करूँगी, इनकी लेयर्स बनाऊँगी, इनकी फेस फ्रेमिंग जिसको आप बोल सकते हैं वो लूँगी, इनकी मैं कट करूँगी। और जो इनके बैक के बाल होंगे, जैसे ये चाह रही हैं कि इनकी लेंथ भी ना जाए, तो उनको मैं अलग से फ्रंट पे ही गठे लाके ऑक्सीपिटल बोन के और नैप एरिया के जो बाल होंगे उनको मैं अलग से कट करूंगी। तो आप देखते जाएं, कट देखते जाएं। अब इनके जो बैक के बाल हैं वो मैं फ्रंट पे लेके आई हूँ, और उनको मैंने हल्के से, बिल्कुल बहुत कम बाल मैंने उतारे हैं, ताकि इनके वो जो रफ़ बाल हैं वो भी उतर जाएं, और बैक के बाल जो हैं उनको मर्ज करने के लिए गाइडलाइन लूँगी, और उसके साथ साथ मैं इनकी बालों की कटिंग कर दूँगी। बिल्कुल हल्के से, बहुत कम बाल उतरते हैं इस तरह से। इस तरह जब आप करते हैं, कट करते हैं, तो एक तो लेयर्स में आपके बाल मर्ज हो जाते हैं, और दूसरा बहुत ज़्यादा बाल भी आपके बैक से नहीं उतरते, आपकी बैक की जो लेंथ है वो उतनी ही रहती है। तो आप देखते जाएं। दूसरी तरफ भी मैंने सेम जो है वो गाइडलाइन लेके छोटे छोटे सेक्शंस में बाल काट रही हूँ मैं, डायगोनल सेक्शंस ले रही हूँ मैं, और जहाँ पे मुझे गाइडलाइन नज़र आती जा रही है वहाँ पे मैं इनके बाल कट कर रही हूँ। ये आज न्यू टेक्निक से बाल मैं कट कर रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आप किसी के बाल इस तरह से काटना चाहें। तो बहुत आसान है, बस आपने फॉरवर्ड ग्रेजुएशन में बाल कट करने हैं, सब बालों को फ्रंट पे लाके आपने कट करना है। सिर्फ अगर आप चाह रहे हैं तो बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा आप छोटी नहीं चाह रहे हैं, तो आप बैक के सारे बाल लाके भी फ्रंट पे इसी तरह से काट सकते हैं। इनको बालों की लेंथ चाहिए, तो इसीलिए जो इनके बैक के बाल हैं ऑक्सीपिटल बोन के और नैप एरिया के बाल हैं उनको मैं अलग से लाके इनमें मर्ज करूंगी, ताकि लेंथ बहुत ज़्यादा ना उतरे। इस तरह डेफिनेटली आपकी लेंथ जाएगी। अब देखें ज़रा, ये बैक के सारे बाल फ्रंट पे लाके यहाँ पे हल्का सा, मैं आपने सीज़र को बंद नहीं करना, बस हल्का सा उसको बालों के साथ टच करना है, और बालों को बाकी लेयर्स में जो है वो आपने मर्ज कर देना है। इस तरह से बालों की लेंथ भी वेस्ट नहीं होती, और बाल भी मर्ज हो जाते हैं, लेयर्स बन जाती हैं उनमें भी। तो यहाँ पे देखें, अब बालों की कटिंग हो गई है, अब मैं सेक्शंस बना रही हूँ ब्लो ड्राई के लिए। तो ब्लो ड्राई अगर आपने करना है तो मस्ट है कि आपने मूज लगाना है बालों पे, और इसके बाद आपने, आपके जो बाल हैं वो वेट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट नहीं होने चाहिए, 60-70% आपके जो बाल हैं वो वेट होने चाहिए, और आपके बाल जो हैं वो वॉश भी होने चाहिए। गंदे बालों पे, अंधुले बालों पे आप ब्लो ड्राई नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सेक्शंस बना रही हूँ, डायगोनल सेक्शंस बनाए हैं, बैक पे मैंने इनको हॉरिजॉन्टल सेक्शन बनाए हैं मैंने, और फ्रंट पे जो मैंने हैं वो मैंने डायगोनल सेक्शन बनाए हैं।
तो अब मैं ब्लो ड्राई अपना स्टार्ट करूँगी, तो देखते रहिएगा ब्लो ड्राई कैसे करते हैं। जब भी बेसिकली जब भी आप कोई भी कटिंग कर रहे होते हैं, तो आपके बालों की कटिंग जो होती है उसको प्रिसाइज करने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए आपका ब्लो ड्राई मस्ट होता है बालों में, ठीक है। जब तक आप अपने बालों में ब्लो ड्राई नहीं करेंगे कटिंग के बाद, तब तक वो जो है उसका वो कटिंग जो है आपकी वो प्रॉपर आपको उसका पता नहीं चलता। दो से तीन बार ब्रश जो है वो अपने बालों में फेरें, ताकि आपके बालों में एक शाइन आ जाए। जब तक आपके बालों में शाइन नहीं आती, तब तक आपने ब्लो ड्राई करते रहना है उस लेयर को। दो से तीन बार करने से आपके बालों में शाइन आ जाती है, और जिस जिस सेक्शन को आप ब्लो ड्राई करती जाएंगे उसको आपने दोबारा से पिनअप कर देना है, उसको उसको जो है वो उसी तरह से कर्ल करके आप जो है वो उसमें पिन को पिन से आप उसको वहीं पे टाई कर दें। पहले बालों में ब्रश चला के आप उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद जो है वो आप इसको इसमें कर्ल डालेंगे, या अगर आप स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, ब्लो ड्राई स्ट्रेट चाह रहे हैं, तो आप जो है वो उसके बाद जो है आप करेंगे। पहले आपने बालों को ड्राई होने देना है, ड्राई होने के बाद आप उसमें कर्ल डालें ब्लो ड्राई से। आपने इनके पहले के भी बाल जो है वो देखे हैं, और अभी कटिंग और ब्लो ड्राई के बाद भी आप देखिएगा कि बालों में एक शाइन सी आ जाती है। जब आपके रफ बाल उतर जाते हैं, तो एक तो आपके बालों में वॉल्यूम भी आता है स्टेप कटिंग से, लेयर कटिंग से, और दूसरा आपके बाल जो रफ बाल होते हैं, जो डैमेज हेयर होते हैं, जब वो उतर जाते हैं, तो आपके बालों की लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। जब आप अपने बालों की प्रॉपर जो है वो केयर नहीं करते हैं, या उनकी ट्रिमिंग नहीं करते हैं वक़्त पे, तो तब आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि अपने बालों की केयर करें, और वक़्त पे कोशिश किया करें कि उनकी ट्रिमिंग वगैरह होती रहे। तो यहाँ पे इनका ब्लो ड्राई ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। बस साइड से बैक से इनका हो गया है। अब इनकी जो है वो फ्रंट के हेयर्स इनके रह गए हैं ब्लो ड्राई होने के लिए, और ये साइड के जो है वो दो सेक्शंस रह गए हैं इनके। आप देख रहे हैं कि मैं एक एक सेक्शन को, एक एक लेयर को वो मैं 3 से 4 बार जो है वो उनको ब्लो ड्राई कर रही हूँ, ताकि बालों में शाइन आ जाए। और जो आपके फ्रंट के टॉप सेक्शन होगा, वो हमेशा आपने बैक पे उसको जो है वो ब्लो ड्राई उसका बैक साइड पे करना है, फ्रंट पे उसको नहीं करना या साइड पे उसको नहीं करना। आपने हमेशा जो है टॉप एरिया के बाल होते हैं उनको आपने बैक साइड पे लेके जाना होता है। तो यहाँ पे बस ये इनका लास्ट है, और अब इनके मैं कर्ल खोल रही हूँ। इनकी जो पिंस मैंने लगाई हुई थी, पार्टीशन पिंस जो मैंने लगाई हुई थी, वो इनकी मैं खोल रही हूँ। तो आप इनकी फाइनल लुक देखिएगा कि इनकी फाइनल लुक जो है कटिंग के बाद और ब्लो ड्राई के बाद इनकी प्रॉपर आप लुक देखिएगा कि कैसी है। और मुझे बताइएगा भी अगर आपको इनकी कटिंग पसंद आती है, और आपने मुझे बताना है कि इनकी फाइनल लुक आपको कैसी लगी, और आप अपने जो है वो व्यूज़ भी मुझे दीजिएगा। ये इनकी फाइनल जो फाइनल लुक है ये आपके सामने है।
एक बहुत ज़बरदस्ती लुक जो है वो इनके बालों में आई है। इनके बालों की लेंथ भी जो है वो नहीं गई और एक प्रॉपर शाइन भी आ गई है। रफ बाल जो डैमेज थे